नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इंडस्ट्री की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, और आज इसीलिए हम बात करने वाले हैं बुलियन इंडस्ट्री की, कि बुलियन इंडस्ट्री के लिए इस बजट में क्या कुछ होने की उम्मीद है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। तो उम्मीदें जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस बजट में अब बुलियन सेक्टर के लिए क्या क्या होने वाला है, यानी क्या क्या हो सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेसी यानी जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पेठे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल अब ये होगा कि बजट के लिए अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो आप लोगों ने डिमांड की फेहरिस्त बहुत लंबी रखी थी सामने, सरकार के सामने। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, जो डिमांड आप लोगों ने की है उसमें से कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं आपकी जिसकी पूरी होने की संभावना इस बजट में आपको ज्यादा दिख रही है? नमस्कार मृत्युंजय जी, और दर्शकों को नमस्कार। हमने जो भी हमारी मांगे रखी थी पिछले कई दिनों से हमारे रिकमेंडेशंस में, उसमें मुझे लगता है कि जो TCS का जो प्रावधान है उसको हटाए जाने की हमने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उसमें बुलियन इंडस्ट्री को उसके मार पड़ रही थी, क्योंकि वो एकदम थिन मार्जिन पे बुलियन इंडस्ट्री काम करती है। तो जैसे एक किलो के पीछे वो 2 से 3 हज़ार रुपया उनका मार्जिन रहता है, और TCS 4-4.5 हज़ार रुपये हो रहा था, तो उसमें उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होते जा रहा था और कंप्लायंस अननेसेसरीली बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है वो एक तो गवर्नमेंट शायद हमारी मांग पूरी कर लेगी, और दूसरी हमारी ये बहुत सालों से ये डिमांड रही है कि जैसे डायमंड में या लग्जरी गुड्स में बैग्स हो या कोई लग्जरी वाइट गुड्स हो, उसमें EMI की फैसिलिटी सब जगह मौजूद है, जिससे वो इंडस्ट्री को एक ग्रोथ के लिए एक इंजेक्शन मिल जाता है। तो वैसे गोल्ड का 22 कैरेट की ज्वेलरी जो है आजकल BIS में ओनली 22 इज अलाउड, तो उसमें EMI की कोई भी फैसिलिटी अभी तक अलाउड नहीं है। और जैसे आप जानते हो, पैंडेमिक में सबकी इनकम्स अफेक्ट हो चुकी है, और सोने के भाव 30-40 से बढ़कर 50 हज़ार हो चुके हैं। तो किसी भी घर में अगर शादी है तो 70-80 ग्राम का ज्वेलरी खरीदना है तो 4 लाख-4.5 लाख रुपए का बजट हो जाता है। तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में वो एक साथ तुरंत देना तकलीफ वाला काम होता है। तो आजकल एवरीवन डिजिटलाइज, उनके पास कार्ड रहता है, सो दे शुड बी हैविंग अ फैसिलिटी अवेलेबल फॉर पेइंग बाय EMI, जिससे ये बिजनेस को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। ये भी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मोस्टली मान जाएगी। ओके, तो ये आपने कुछ डिमांड आपने अपनी बताई है जिससे आपको ये लग रहा है कि ये मांगे सरकार इस बार मान लेंगी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे पेठे जी और ये होगा कि गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग लगातार हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से, और ये कहा जा रहा है, कुछ डिमांड तो ये भी आ रही है कि 12.5% से घटाकर 4% तक कर दिया जाए। क्या आप भी इस मांग से सहमत हैं, और इम्पोर्ट ड्यूटी क्या घटने की कोई गुंजाइश या संभावना आपको इस बजट में दिख रही है क्या? हमारे नहीं, बहुत सारे एसोसिएशन की मांग रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाए। हम ये जानते हैं, हम वी आर वेरी मच अवेयर दैट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ उनकी कंपल्शन है, वो भी ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होने से, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि जब 2012-13 में जब 1% कस्टम ड्यूटी था और 1% वैट था और रेट 25-27 हज़ार का था, तब एक 10 ग्राम का कोई कस्टमर सोना खरीदता है तो उसके अंदर 500 रुपये का टैक्स का कंपोनेंट था, जो आज 50 हज़ार के रेट में बढ़ते बढ़ते 7.5 हज़ार तक आ गया है। तो कोई भी कस्टमर लेता है, उसमें टैक्स का कंपोनेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उससे जो सेकेंडरी ट्रेड होता है उससे बढ़ावा मिलता है। तो हमने बहुत बारी रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ गेट द कस्टम ड्यूटी टू अ रीजनेबल लेवल, ताकि दूसरे लोगों को इसमें कोई इंसेंटिव ना मिले कि आउट ऑफ। तो आपके हिसाब से पेठे जी, वो रीजनेबल लेवल क्या है जो आप कह रहे हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पर वो एक रीजनेबल लेवल पे होना चाहिए, तो आपके हिसाब से वो लेवल क्या है? 4%, 6% क्या है? देयर हैव बीन मेनी रिकमेंडेशंस, बट अकॉर्डिंग टू मी 4-6% इज अ रीजनेबल नंबर। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बजट में ये हो जाएगा? वी आर होपिंग, लेट्स सी। ओके, ठीक है। एक सवाल पेठे जी आपसे, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है
और जो रिपोर्ट के आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। हालांकि वो एक्सपेक्टेड लाइन पे है, सबको ये लग रहा था कि ऐसा होगा। 26 साल में सबसे कम डिमांड 2020 में गोल्ड की रही है पैंडेमिक की वजह से, और 35% की गिरावट गोल्ड की डिमांड में भारत में आई है। क्या आपको उम्मीद है कि 2021 में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, पहला सवाल। और दूसरा ये कि गोल्ड की डिमांड, भले ही वो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़े, ये बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए? जैसा आपने सही कहा कि वो रिपोर्ट में डिमांड सब्सटैंशियली कम हुई है ऐसा दिखाया है, तो ये आप हमें ये देखना जरूरी है कि ये इम्पोर्ट के फिगर्स हैं। इंडिया में जैसे 3 से 4 महीना ऑलमोस्ट सब ट्रेड बंद थी, स्पेशली रिटेल ट्रेड, तो उसका इफेक्ट तो अपने इम्पोर्ट में आना तो लाजमी था। लेकिन एट द सेम टाइम जब सीजन टाइम शुरू हो गया तो उसमें जो स्क्रैप सेल आता है कस्टमर का, पुराना सोना, वो कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ गया। तो समझो 35-40% इम्पोर्ट कम हुआ, लेकिन उतना बिजनेस में कम हुआ ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज स्क्रैप सेल थोड़ा बढ़ गया था कि जो कस्टमर 50 ग्राम लेने में तो खुद का 30 ग्राम लेके आता है और 20 ग्राम नया खरीदता है, और जब रेट्स नीचे आता है तो वो 40 ग्राम नया खरीदता है और सिर्फ 10 ग्राम पुराना देता है। तो ये फ्लक्चुएशन से आ जाता है। और दूसरी बात यह है, हमने गवर्नमेंट को ये भी रिकमेंडेशन किया है कि जो GST का रेट है आज की तारीख में वो 3% है। वो पॉसिबल जैसे रेवेन्यू इक्विवेलेंस रेट अगर देखने जाएंगे इसके पहले का जो एक्साइज और वैट के रिजिम में, तो लगभग 1-2% के बीच में आता था। तो हमने रिकमेंड किया कि 1.25% पे अगर आप GST लेके आएंगे, क्योंकि एंड कस्टमर को अगर वो जो खरीदता है 10 ग्राम सोना तो उसको 1500 रुपया टैक्स में चला जाता है, वो कस्टमर को दिखता है, दैट इज वॉट इट हर्ट्स। और आज के GST रूल के हिसाब से कोई भी कस्टमर अपना पुराना सोना देके नया गहना बनवाता है तो एज पर द GST लॉ पुराना सोना उसे बेचना पड़ता है और नया सोना खरीदना पड़ता है, तो एक ट्रांजेक्शन के पीछे उसका 3000 रुपीज टैक्सेशन में चला जाता है। सो वो हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर GST का स्लैब 1.25% तक आ जाए तो गोल्ड ट्रेड को बूस्ट मिल सकता है और बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि कोई कस्टमर पुराना सोना, मैंने बोला कि स्क्रैप सेल बढ़ गया है, तो कस्टमर पुराना सोना लेके आता है और उसी उसके खुद के सोने से नया गहना बनाता है तो उसमें 18% GST लगता है, विच इज सब्सटेंशियली हायर देन 3% इफ समवन बाइस। तो उसमें अगर पैरिटी आ जाएगी तो अच्छा होगा, और देन एज पर GST रूल उसको कंपलसरी पुराना सोना बेचना पड़ता है और नया लेना पड़ता है, तो उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। तो उसमें अगर तो सेक्शन 54F में जैसे कोई पुराना चीज बेच के आप री इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एग्जेंप्शन मिलता है, वैसे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी 54F के तहत पुराना सोना बेच के अगर नया ज्वेलरी आप खरीदते हो तो उसमें एग्जेंप्शन मिलना चाहिए। ये दो चीजों से ज्वेलरी ट्रेड में ग्रोथ या मूवमेंट आ सकती है। ओके ठीक है, तो ये आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, सुझाव आपने दिए हैं, जिससे आपको ये लग रहा है कि अगर ये चीजें पूरी हो जाती हैं तो बुलियन सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। एक सवाल मेरा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार ने जो लॉन्च किया था उसको अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में गोल्ड के प्रति लोगों का मोह काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब आप किसी से गोल्ड ये कह कर लेंगे कि आप गोल्ड जमा करें लेकिन बाद में आपको उस फॉर्म में गोल्ड नहीं मिलेगा, उसको मेल्ट किया जाएगा, तो आपको लगता है कि इसको और ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिले, बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ बदलाव इस बजट में, इस स्कीम में होने चाहिए? राइट, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम पिछले 2-3 सालों से सब एसोसिएशंस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक GMS अगर कर ले और जिसमें जो ज्वेलर्स है उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी भी कस्टमर को GMS में इन्वेस्ट करना है तो उसको डेजिग्नेशन जगह पे जाना पड़ता है, तो कोई भी हाउसवाइफ है या कोई भी कस्टमर है वो कहीं अननोन जगह पे नहीं जाएगा, उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी अपना ज्वेलरी रहता है जो उसका बरसों से फैमिली ज्वेलर है तो उसके पास जा सकता है। तो गवर्नमेंट को पूरा सिस्टम खड़ा करने से जो ऑलरेडी लास्ट माइल कनेक्टिविटी ज्वेलर्स का हुआ है, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो वहाँ पे एक ना एक तो ज्वेलर अच्छा रिनाउंड होता ही है, तो अगर उनको इन्वॉल्व कर दें तो कस्टमर का कम्फर्ट लेवल आ जाएगा, और जो कस्टमर ज्वेलरी पहनता है वो कस्टमर कभी भी कोई भी लेडी GMS में इन्वेस्ट नहीं करेगी, जो एक्सेस सोना किसी के पास पड़ा होगा वही इन्वेस्ट होगा, लेकिन वो इंडिया में इतना सब्सटेंशियल है
कि वो इन्वेस्ट होने से गवर्नमेंट का प्राइस ऑफ पेमेंट का तकलीफ भी कम हो जाएगा, ज्वेलर को भी सस्ते रेट में सोना मिल जाएगा, तो इट इज अ विन-विन सिचुएशन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पेठे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस बजट में बुलियन इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ होने की संभावना दिख रही है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर।